इस रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर तेल बचाए तेल बचाए। जल है जीवन आओ सबको ये समझाए ये समझाए। दूसरा वादा पेड़ों पर फूल खिलाए शुद्ध हवा से दुनिया को महकाए एनर्जी देती हमको जीवन जीवन नहीं गवाना है। संरक्षण का दीप जलाते हैं आँखों में है ख्वाब अनेकों इन बच्चों की रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ छवि और मैं हूँ विशाल और स्वागत करते हैं आपका मनोरंजन और जानकारी से भरे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। छवि एक बात बताओ। हाँ। I always wonder how do you stay so fit? विशाल मैं साइकिल चलाती हूँ। साइकिल है तुम्हारे पास? Of course, you don't know, मैं साइकिल की चैंपियन रह चुकी हूँ और इसीलिए इतना फिट रहती हूँ। मैडम मेरे कम जनरल नॉलेज के लिए मुझे माफ कर दे। वैसे दोस्तों सीरियसली साइकिल चलाना न सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन आप उससे ईंधन भी बचा सकते हैं, मतलब डीजल एंड पेट्रोल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ ही साइकिल को छोटे डिस्टेंसेस के लिए अपनाना हर हिसाब से फायदेमंद है। ईंधन की बचत करने वाली सिर्फ चलाने वाले के दम पर चलने वाली ये साइकिल 21वीं सदी की इको फ्रेंडली सवारी है। तो आप साइकिल को अपनाएं और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और छवि जी मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं भी साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू ही कर दूं। ऑफ कोर्स विशाल तुम्हें तो ये बहुत जल्द करना चाहिए। यू थिंक आई एम फैट? बट यू आर गेटिंग देयर। ओह रियली? लेकिन डोंट वरी, अभी तुम आ गए हो तो ठीक है, अगले एपिसोड से साइकिल पर ही आना। Sure. And I hope हमारे दर्शक भी ऐसा ही करेंगे। Well, इसके साथ ही शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारे इस शो में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की हमारे दोनों टीम्स के परिचय के साथ। सबसे पहले टीम शक्ति जो आई है जेपी अकादमी मेरठ से, और हमारी दूसरी टीम टीम रक्षक जो आई है विद्या भारती स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली से। साथ ही स्वागत हमारी प्रिय बूंद का हमारी स्कोरर, और स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारी ऑडियंस का जो आती है हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए। ऑडियंस, वेल हियर वी आर टू स्टार्ट द फर्स्ट राउंड जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। दोस्तों इस राउंड में हमारी दोनों टीम्स एक एक करके हमारे मंच पर आएंगी और संरक्षण से रिलेटेड कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगी और उनको मार्क्स देंगी हमारी ऑडियंस। तो शुरुआत करते हैं टीम शक्ति से। वाह तेंदुआ भाई, आज तो छाए हुए हो अखबार में। क्या इसने फिर कुछ करामात कर दिखाई? लगता है तेंदुए का फोटो किसी एड में छपा है अमिताभ बच्चन के साथ। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, खबर है कि जंगल का तेंदुआ अपना घर बार छोड़कर शहर गया है घूमने आदमियों के बीच। सिनेमा देखने गया होगा और क्या। दोस्तों यह बात हंसने की नहीं है, अरे भाई जब आदमी जंगल काट काट कर हमारे रहने की जगह ही खत्म कर देगा तो हम क्या करेंगे, घुसेंगे ही शहरों में। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा, वनों से हम हैं और हमसे वन, वनों की रक्षा तो जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि वन्य प्राणियों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए जो शहर जाकर मानवों की सरकार से मिले, उन्हें वृक्ष काटने से रोकने का ज्ञापन दे। हाँ भाई हाँ, चलो चलो। क्या होगा इससे, वहाँ कौन है हम लोगों की सुनने वाला? हमें बचाने के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, पर होता क्या है, ढाक के वही तीन पात। ऐसा क्यों ना करें, हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर मानवों को जागरूक करें, उन्हें बताएं वन ही जीवन है। अरे वनों के साथ साथ हमारी जातियों का जीवित रहना भी तो जरूरी है। अगर पर्यावरण से जंगली जानवर ही समाप्त हो जाएंगे तो क्या प्रकृति का जीव संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? यह बात तो हम भी जानते हैं,
तो खुद को बहुत बुद्धिमान मानने वाला मानव नहीं जानता होगा क्या? हाँ, तेंदुए की बात में दम तो है। मानव इसे अपने विज्ञान की भाषा में इको साइकिल कहते हैं। ये बात तो उन्हें समझानी ही पड़ेगी। हाँ, हमारे जीवन की रक्षा के लिए सुरक्षित वनक्षेत्र निश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें हम अभयारण्य की तरह स्वतंत्र घूम फिर सके। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी जातियाँ भी डायनासोर की तरह किताबों के चित्रों में ही दिखाई देंगी। ठीक है, अब तो हम मानव को अपने महत्व एवं मानव जाति की हम पर निर्भरता के बारे में अवश्य बताएंगे। इसके लिए पहले बड़े बूढ़े जानवर बुद्धिजीवी मानवों से संपर्क करें और फिर हम अपना अभियान चलाएं। ठीक है ठीक है, चाहे जैसे भी हो, अब हमें ये संकल्प करना है कि हम यह संदेश मनुष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, हम सब हैं जंगल के प्राणी, वन से है हम सबका जीवन, छोड़ो तुम ये नादानी। वन से ही बारिश होती है, बिन बारिश पृथ्वी रोती है, वृक्ष नहीं तो क्या खाओगे, भूखे प्यासे मर जाओगे। वन मिट्टी की काट को रोके, तूफान के उत्पात को रोके, वन से प्राणी प्राणी से वन, वन है इस पृथ्वी का जीवन, वन है इस पृथ्वी का जीवन, वन है इस पृथ्वी का जीवन। ओके, टीम शक्ति है सेट द नोट, और अब देखते हैं कि टीम रक्षक इनका मुकाबला कैसे करते हैं। लेट्स इनवाइट टीम रक्षक। ओह, ये बारिश फिर से आ गई, मेरी सारी लकड़ियां भीग गई, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ओ मर्तिया, कहाँ हो? आ गए, अभी तो रात बाकी है, सुबह आते। अरे भगवान, लड़ाई बाद में कर लियो, पहले बता खाना तैयार है? आज खाना कैसे बनेगा, छत तो पहले से ही टपक रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई अब। हाय रे, यह कौन आ गया? अरे हट पीछे, कहीं हाथ मत लगा दियो, ना जाने क्या भूत बवाल है। डरो नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का हल हूँ। तू समस्या का हल है? पहले तू यह बता, तू कौन है, कहाँ से आया और क्यों आया है? अरे पहले इसकी सुन तो लो, ये क्या कह रहा है। एक तो पहले से ही था, अब दूसरा भी आ गया। अरे तुम लोग कौन हो? हमें नहीं जानते। मैं वही बांस हूँ जो तुम्हारी शादी के तंबू में लगा था, जिस अचार को चटकारे ले लेकर सब खा रहे थे, वो मुझसे ही बना था। तुमसे? मुझसे सब्जी भी बनती है, विदेशी खानों में भी मेरा प्रयोग होता है। हाय राम, लोग तुम्हें खाते हैं क्या? बस करो, अपने बारे में ही बोले चले जा रहे हो, मुझे भी तो कुछ कहने दो। तुम भी बोलो। मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जिसके कारण आज तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जला और खाना नहीं बना। अच्छा, तो तुम वही लकड़ी हो? हाँ जी, खूब जाना और अब पहचाना। मैं थक गई हूँ, धीरे धीरे खत्म हो रही हूँ, मुझे बचाव चाहिए। मैं तुम्हारा बचाव हूँ। वो कैसे, लकड़ी की जगह तुम्हें लगाएंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, मेरी मजबूती के कारण ही दरवाजे, फर्नीचर, यहाँ तक कि घर के सजावटी सामान बनाने में भी मेरा प्रयोग होता है। यह तो तुम ठीक कह रहे हो। जिस चटाई पर तुम बैठे हो वो भी तो मुझसे ही बनी है। रहने दो, बहुत कर ली बड़ाई, मैं भी तो प्रदूषण रोकती हूँ, लोगों को ऑक्सीजन देती हूँ। रहने दो, यह काम तो मैं भी करता हूँ, बल्कि तुमसे अच्छी तरह से ही करता हूँ। लेकिन जो चीजें मुझसे बनाई जा सकती हैं, शायद तुमसे नहीं। मिस लकड़ी, यह बात भी दिमाग में बिठा लो, तुमसे चीजें बनाने के लिए मशीनें चलानी पड़ती हैं, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, परंतु मुझसे कारीगर लोग अपने हाथों से बड़े प्यार से, आराम से, बड़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीजें बनाते हैं। इसका मतलब बात ज्यादा अच्छा है। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। नहीं नहीं, हम दोनों संगी साथी हैं जो भूमि के कटाव को रोकते हैं। तुम्हारे खोते हुए अस्तित्व को बचाने के लिए मेरा आगे आना बहुत जरूरी है। हम दोनों मिलकर इस पृथ्वी और पर्यावरण को और भी सुंदर बना सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें मनुष्य का भी सहयोग चाहिए। क्या कहा, हमारा सहयोग? जी हाँ, आपका सहयोग। आप अपनी निजी जरूरतों के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। नहीं, अब हम यह समझ चुके हैं और आप भी समझिए, लकड़ी की कीमत पहचानो, इस्तेमाल करो फिर बांस, पर्यावरण भी रहे सुरक्षित, सब ले जी भर कर सांस, बनी रहे हरियाली फिर से, सुधरे सेहत अब की बार, जब आए खुशहाली की बहार, जब आए खुशहाली की बहार।
और अब वक्त है इनके स्कोर्स जानने का, तो चलिए एक बार रुख करते हैं हमारी ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस, आपने टीम शक्ति को कितने पॉइंट्स दिए हैं? टीम शक्ति का फेट तो तय हो गया, अब बताएं कि टीम रक्षा को कितने अंक देते हैं आप? तो चलिए अब देखते हैं बूंद ने क्या टोटलिंग की है स्कोर्स की। इस राउंड के स्कोर्स जानते हैं। इस राउंड में हमारी शक्ति टीम को मिलते हैं 290 पॉइंट्स और हमारी रक्षक टीम को मिलते हैं 370 पॉइंट्स। इस राउंड के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक। भारत सरकार का पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय PCRA और फिक्की के सहयोग से आयोजित कर रहा है इंटरनेशनल एस्को कॉन्फ्रेंस। एनर्जी सर्विस कंपनीज द्वारा भारत में ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल। 1 और 2 जून 2005 को फिक्की ऑडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में। भाग लेने एवं अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.pcra.org पर या संपर्क करें श्री कपिल माथुर से। फोन नंबर है 011-261-83054, मोबाइल नंबर है 09899138289। मैं गाड़ी का समय समय पर प्रदूषण चेक कराता रहता हूं ताकि पीछे की गाड़ी में आने वाले लोगों को और अन्य नागरिकों को प्रदूषण से नुकसान न पहुंचे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। चलिए शुरू करते हैं हमारा राउंड नंबर 2 जिसका नाम है दुनिया बदलने की बात। भारतीय साड़ियां विश्व भर में मशहूर हैं और ये मात्र एक पहनावा नहीं बल्कि एक परंपरा है। तो इसी तरह की एक साड़ी की कारीगरी का नमूना आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक वीडियो क्लिपिंग में। लेकिन क्लिपिंग दिखाने से पहले मैं अपनी दोनों टीम्स को ये बता दूं कि इस क्लिपिंग को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी पर आधारित होंगे हमारे इस राउंड के सवाल। सो हियर्स द क्लिपिंग। रंग बिरंगी पैठणी साड़ियां किसके मन को नहीं भाती। पैठणी साड़ियों का चलन महाराष्ट्र में पेशवा काल से है। इन साड़ियों को पैठणी नाम पैठण के कारण मिला जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक छोटी सी जगह है। आज यहाँ ये कारीगर लूम्स पर हाथों से साड़ियों का निर्माण करते हैं। आमतौर पर एक साड़ी को बनाने में 15 से 20 दिन लगते हैं। अगर काम भारी हो तो महीना या डेढ़ महीना भी लग जाता है। हालांकि पैठणी साड़ियों का जन्म स्थान मूल रूप से पैठण ही है, लेकिन 150 साल पहले ये कला पैठण से 160 किलोमीटर दूर यवला गांव में पहुंची और आज यहां की हर गली में साड़ियां बुनी जाती हैं। एक पूरी साड़ी की बिनाई में रेशम के अलावा सोने और चांदी के 4000 धागे होते हैं जिनमें 3200 धागे साड़ी की चौड़ाई में और 800 धागे पल्लू में लगे होते हैं, जबकि दूसरी सिल्क साड़ियों में इससे कम धागे प्रयोग में लाए जाते हैं। यही कारण है कि पैठणी साड़ियां महंगी तो काफी होती हैं लेकिन आम साड़ियों के मुकाबले 10 गुना अधिक समय तक चलती हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कारीगर होते हैं, इसलिए अधिकतर एक पूरा परिवार एक लूम से जुड़ा होता है और इस काम में महिलाएं किसी तरह पुरुषों से कम नहीं। साथ ही बच्चों को भी शुरू से ही काम सिखाया जाता है ताकि बड़े होकर वे भी कुशल कारीगर बन सकें। हमारा जो पैठणी साड़ी का जो धंधा है वो 150 साल पुराना है और हमारा जो फैमिली है इसमें ये चौथी पुश्ती काम कर रहा है। ये हमारी जो फैमिली उसमें 10-15 लोग हैं वो जो सब ये साड़ी बनाने का काम करते हैं। इसमें ज्वाइंट फैमिली जो रहते हैं वो सब ये काम छोटे बच्चे लेकर बड़ों तक काम करते हैं और ये आदमी इसमें अकेला आदमी साड़ी बना नहीं सकता। सब मिला के जो काम करते हैं, कोई डिज़ाइन बनाने काम करता है, कोई बुनने काम करता है, कोई बूटा काम करता है, कोई पलों का काम करता है, कोई जोड़ने का काम करता है, ये सब मिलाकर एक साड़ी बनती है।
लेकिन आज परंपरागत डिजाइन्स के साथ साथ नए डिजाइन्स का भी समावेश किया गया है, जिसके कारण पैठणी साड़ियों को बनाने की कला फिर से जिंदा हुई है। पैठणी साड़ियों की सबसे बड़ी विशेषता है इनके पल्लू। 2.5 इंच के पल्लू को बनाने में 8 से 10 तीलियां प्रयोग में लाई जाती हैं, और यदि डिजाइन चौड़ा हो तो 400 तीलियां तक इस्तेमाल में आ जाती हैं। पैठणी साड़ी बनाने का और बेचने का हमारा ये काम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। मेरे ग्रैंडफादर से भी पहले एक काम चलता था और अभी भी चल रहा है। इसके अंदर 1000 से ज़्यादा हैंडलूम यहाँ चलते हैं और 3000 से ज़्यादा कारागिर इसके अंदर काम करते हैं, और इसका दाम 3000 से लेके 5000, 10000, 1 लाख तक बनता है। इसके अंदर हैंडवर्क जितना हेवी रहेगा उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। पैठणी साड़ियों को बढ़ावा देने के लिए MSSIDC यानी महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पैठण में एक प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है, जहां 67 लूम्स लगाए गए हैं, जिस पर 150 कारीगर काम करके साल में 150 से अधिक साड़ियों का उत्पादन करते हैं। यहां की महिलाओं के लिए ये सेंटर खास महत्व रखता है। इस सेंटर में 30 महिलाओं का एक बैच बनाकर उन्हें 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान ₹500 माहवार पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र में अब तक 200 बुनकरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें से 100 बुनकर सरकारी संस्था में ही कार्यरत हैं। पैठणी साड़ियों के कुछ पारंपरिक डिजाइन हैं, जो आमतौर पर ज्यादा पसंद किए जाते हैं, जैसे मोर डिजाइन, तोता मैना, कोयरी, असावली और अंगड़ी मोर। डिजाइन कैसे भी हों, पैठणी साड़ियां हर महिला के दिल को हमेशा लुभाती रहेंगी। Well, एक साड़ी को बनाने में इतनी मेहनत और इतना टाइम लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फिल्म बहुत ध्यान से देखी होगी। अब मैं आपको इस राउंड के रूल समझा देती हूँ। ये एक बजर राउंड है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सवाल खत्म होने से पहले आप बजर अगर दबाएंगे तो आपकी टीम को उस सवाल से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा और मौका दिया जाएगा दूसरी टीम को। ऑलराइट, द क्वेश्चन इज, पैठणी साड़ी बनाने की कला पैठण में जन्मी, परंतु बाद में ये कला कहां पनपी? शक्ति, औरंगाबाद, रक्षक, महाराष्ट्र, पैठण। जी नहीं, इस सवाल का सही जवाब है यवला गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आपका स्टेट तो सही था, बट आप गांव में चूक गए जो हम ढूंढ रहे थे एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, अभी और भी सवाल हैं। और दूसरा सवाल है, पैठणी साड़ी की बिनाई में कितने धागे होते हैं? 4000। सही जवाब है, दैट्स अ राइट आंसर। इसका एग्जैक्ट आंसर इस 4000 धागे, जिसमें से 3200 धागे चौड़ाई में और 800 बॉर्डर में इस्तेमाल किए जाते हैं। एनीवेज, वी गॉट द थर्ड क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, सो ऑल योर हैंड्स ऑन द बजर, ऑल सेट, और अब सोच समझ के बजाएगा। आपका सवाल है, प्रसिद्ध संबलपुरी साड़ी देश के किस राज्य में बनाई जाती है? ये फिर बजर। औरंगाबाद। हमने राज्य का नाम पूछा। महाराष्ट्र। जी नहीं, राजस्थान। रक्षक, राजस्थान। ऑडियंस में से कोई इस सवाल का जवाब देना चाहेगा? जी आप, संबलपुर शहर उड़ीसा राज्य में। दैट्स अ परफेक्ट आंसर। संबलपुरी साड़ी उड़ीसा में बनाई जाती है, उड़ीसा राज्य, क्योंकि संबलपुर इज इन उड़ीसा फ्लैट। दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट एनीहाउ अब हम चलते हैं बूंद के पास जानने के लिए इस राउंड का स्कोर। इस राउंड में हमारी शक्ति टीम को कोई अंक नहीं मिलते हैं और हमारी रक्षक टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड के बाद अब एक बार फिर से वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो अवे, हम अभी हाजिर होते हैं। धन्यवाद बचाओ जी। हाँ
पृथ्वी का श्रृंगार करें, इसे स्वस्थ एवं स्वच्छ रखें। आइए आने वाली पीढ़ी के लिए इस धरती को खुशहाल और बेहतर बनाएं, तेल बचाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं, जुट जाएं एक बेहतर कल के निर्माण के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा और आखिरी राउंड, जिसका नाम है आपने क्या देखा। इस राउंड में हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, छोटा सा वीडियो क्लिपिंग, लेकिन खास बात इस राउंड की यह है कि ये वीडियो क्लिपिंग आप दोनों टीम्स के सिर्फ दो दो पार्टिसिपेंट्स ही देख पाएंगे। बाकी के दोनों पार्टिसिपेंट्स की आंखों पर बंधी होगी एक पट्टी, दे विल बी ब्लाइंड फोल्डेड। और जो कंटेस्टेंट्स ये क्लिपिंग देख रहे हैं वो अपने बाकी दोनों साथियों को पूरा कमेंट्री के साथ बताएंगे कि क्लिपिंग में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब वही दो कंटेस्टेंट्स देंगे जो ये क्लिपिंग नहीं देख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आप डिसाइड कर लें आप में से कौन ये पट्टियां पहनना चाहते हैं। जस्ट पिक इट अप राइट अवे। ओके नाउ इट्स गुड, ऑल सेट। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लिपिंग। हियर इज द क्लिपिंग। भैया अब आप लोग अपने आप को पट्टियों से मुक्त कर सकते हैं। ओके, अब हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, लेकिन उस एक सवाल का जवाब कौन सी टीम देगी ये डिसाइड करने के लिए हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे जो कि एक बजर क्वेश्चन होगा। राइट? इस सवाल का जवाब यानी बजर क्वेश्चन का जवाब चारों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन जो दूसरा सवाल होगा उसका जवाब सिर्फ वही लोग देंगे जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। ऑलराइट? तो आपका सवाल है, ये क्लिपिंग किस विषय पर आधारित थी? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टीम शक्ति, यू लाइक टू ट्राई? इट्स अबाउट फ्यूल कंजर्वेशन एंड टू सेव एनर्जी। दैट इज प्रीटी क्लोज, वी गिव इट टू यू। द एक्चुअल आंसर इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट्स द एक्चुअल आंसर। एनीवेज, अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दो लोग देंगे जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। हर सही पॉइंट के लिए आपको मिलेंगे 50 अंक और आपका टाइम होगा 15 सेकंड द मोमेंट क्वेश्चंस गेट ओवर। ऑल सेट? आपका सवाल है, इस वीडियो क्लिपिंग में कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिखाए गए थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बायोगैस प्लांट, सोलर एनर्जी, यूज ऑफ सोलर कुकर, विंडमिल एंड वाटर हार्वेस्ट। योर टाइम इज अप। टीम रक्षक, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? लेकिन आपको सिर्फ वही जवाब देने हैं जो इन्होंने नहीं दिए। 15 सेकंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोलर एनर्जी। वो बोल चुके हैं, उसके अलावा आप कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए। फ्रॉम द लीव्स। टीम रक्षक, आप कोई भी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन टीम शक्ति ने हमें तीन पॉइंट सही बताए और जो पॉइंट वो मिस कर गए वो थे बायोमास गैसिफायर और बायोडीजल। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं बूंद के पास जानने के लिए इस राउंड का स्कोर। शक्ति टीम को मिलते हैं 150 पॉइंट्स और हमारी रक्षक टीम को इस राउंड में कोई अंक नहीं मिलते हैं। और अब फाइनल स्कोर्स, लेकिन उससे पहले वक्त है संरक्षण समाचार का। नमस्कार। कहीं दूर जाना हो तो बस की सवारी, थोड़ी दूर जाना हो तो ऑटो रिक्शा, और अगर सिर्फ 2-3 किलोमीटर जाना हो तो साइकिल रिक्शे से सर्वोत्तम सवारी और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए इसके डिज़ाइन में सुधार किए जाते रहे हैं ताकि चालक को रिक्शा खींचने में कम शक्ति का प्रयोग करना पड़े और इसमें बैठने वाले को अधिक आराम मिले।
इसी के मद्देनजर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक बेहतर डिजाइन वाले साइकिल रिक्शे का प्रारूप तैयार किया। इस नए रिक्शे की विशेषता ये है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपेक्षाकृत धरती की सतह से कम ऊंचाई पर है, इसीलिए पुराने रिक्शे के मुकाबले ये सवार के लिए तो आरामदायक है ही, साथ ही साथ अधिक सुरक्षित भी है। इसमें पिछले दोनों पहियों को घुमाने के लिए अलग अलग चेन है, साथ ही दोनों पहियों में ब्रेक भी फिट किए गए हैं, जिससे तेज गति से ब्रेक लगाने से रिक्शा आगे की तरफ नहीं पलटता। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दो सवारियों को खींचने में चालक को पहले से कम यानी लगभग आधी शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर इस नए जमाने की इको फ्रेंडली सवारी अपनाने में हिचक कैसी? हमारे खास मेहमान आपसे खास बात कहना चाहते हैं इन आवर सेलिब्रिटी मैसेज। पहले मेरे घर के पास एक मैदान था, वहाँ हम क्रिकेट खेलते और खूब मजा करते। तोते और कबूतर वहाँ खूब आते थे, कुछ ने तो पेड़ों पर घोंसला भी बनाया हुआ था। लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, हमारी मौज मस्ती खत्म और अब तोते कबूतर भी वहाँ नहीं आते हैं। अब वो अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? बिल्डिंग बनाने के लिए उनका घर उजाड़ना कितनी बुरी बात है। जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम इतना तो करें कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। आप अपना घर बनवाइए और ध्यान रखिए कि किसी पक्षी का घोंसला न टूटे। और अब वक्त आ गया है उन दर्शकों से रूबरू होने का जो अपने अपने घरों में टीवी सेट्स के माध्यम से हमारी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो अब आप इस ऑडियंस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। आपका सवाल है, बच्चों का पासपोर्ट आवेदन करते समय जन्मतिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है? स्कूल का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, डॉक्टर का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र? आपके जवाब हमें 7 दिनों के अंदर अंदर इस पते पर मिल जाने चाहिए। PCRA संरक्षण भवन, 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। अपने जवाब SMS द्वारा भेजिए 9811771717 पर। सही जवाब भेजने वालों को मिलेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से ढेरों इनाम। हमारे एपिसोड नंबर 85 के सवाल का सही जवाब है पौंडीचेरी, और सही जवाब भेजकर इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं हर्ष कुमार बहराइच से, शिवानी गुप्ता चंडीगढ़ से ईमेल द्वारा, गीता वाराणसी से SMS द्वारा, के वेंकटेश्वरा राव विजयवाड़ा से, अरविंद कुमार शुक्ला लखनऊ से ईमेल द्वारा, MSK हिमा बिंदु विजयवाड़ा से, रजनीकांत चावड़ा मेहसाना से SMS द्वारा, विशाल डी राव गोंडा से, मनोज जी PS कोयम्बटूर से ईमेल द्वारा, ब्लेसिंग्स विजयवाड़ा से, सिद्धार्थ झांसी से SMS द्वारा, परवीन बुद्धिराजा दिल्ली से और के पद्मा विजयवाड़ा से। इस हफ्ते का इनामी पत्र लिखा है अरविंद कुमार आर्य ने झुंझुनू राजस्थान से। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम से प्रेरित होकर इन्होंने गांव के बच्चों के साथ सरपंच की सहायता से गांव में एक पर्यावरण संरक्षण रैली का आयोजन कर गांव वालों को पर्यावरण प्रदूषण से भविष्य में होने वाले घातक खतरे से अवगत कराया। और अब वक्त आ गया है इस एपिसोड के फाइनल स्कोर जानने का। आई नो यू ऑल आर क्यूरियस, यू बेट। चलिए चलते हैं बूंद के पास जानने के लिए फाइनल स्कोर। शक्ति टीम को मिलते हैं 440 पॉइंट्स और हमारी रक्षक टीम को मिलते हैं 470 पॉइंट्स। हमारे आज के विनर टीम रक्षक, कांग्रेचुलेशंस। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से ये आकर्षक इनाम। वेल, हियर कम्स द टाइम जहां पे एक्साइटमेंट को हमें वी हैव टू पुट इट रेस्ट एंड वी हैव टू टेक लीव, क्योंकि हमें अगले एपिसोड में पूरे रेजुनुवेट होके, पूरा चार्ज अप होके आपसे मिलना होता है एक नई कड़ी के लिए। तो तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।